बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट, जो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। दो मैंने सेब ली हैं, दो मैंने आड़ू लिए हैं, दो मैंने केले लिए हैं, एक मैंने अनार लिए है, 200 ml मैंने क्रीम ली है, 1/2 teaspoon मैंने काली मिर्च ली है, 2 tablespoons मैंने चीनी ली है और मैंने अंगूर लिए हैं। अब मैं फ्रूट्स की कटिंग कर लूँगी। एक मैंने बाउल ले लिए, सबसे पहले मैं केले की कटिंग कर लूंगी। अब मैं केलों को काट लूंगी। अब मैं सेब के सबसे पहले छिलके उतार लूंगी और फिर इसको कट कर लूंगी। अब मैंने छिलका उतार लिया, अब मैं सेब की कटिंग कर लूंगी। अब मैं सेब की बारीक कटिंग कर लूंगी, इसको दरमियान से ऐसे कट करूंगी और फिर बारीक बारीक कटिंग करूंगी। सेब की कटिंग मैंने कर ली है, अब मैं आड़ू का सबसे पहले छिलका उतारूंगी और फिर इसको कट करूंगी। अब मैं आड़ू की कटिंग कर लूंगी, इसकी भी मैं बारीक बारीक कटिंग कर लूंगी जैसे मैंने सेब की है। अब मैं इसमें अंगूर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें अनार ऐड कर दूंगी। मैं अनार के दाने इसमें निकाल लूंगी। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें क्रीम डाल दूंगी। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। अब मैं इसमें काली मिर्च डाल दूंगी। अब मैं इसको इन सारी चीजों को मिक्स कर लूंगी। क्रीमी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको टेस्ट करके बता दूंगी ये कैसी बनी है। बहुत ही मजे की बनी है। अब मेरी बहन भी टेस्ट करेगी कि ये कैसी बनी है। आप ही बहुत ही मज़े की बनी है। आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।